गुड मॉर्निंग, आई एम हिंदी टीचर्स ऑफ अरोड़ा इंटरनेशनल स्कूल। माय नेम इज राजेश कुमार केसरी। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी साहित्य यानी हिंदी लिटरेचर। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट एक, फुहारों वाली बारिश। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे फुहारों वाली बारिश। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे फुहारों वाली बारिश। देखिए, इसका फुहारों वाली बारिश का अर्थ होता है, ठीक है, फुहारों वाली बारिश का अर्थ होता है जैसे रिमझिम वर्षा। क्या होता है? रिमझिम बारिश होती है। फुहारों वाली बारिश का अर्थ क्या हो जाएगा? रिमझिम बारिश। ठीक है, अब देखिए, इसमें जैसे हम लोग रिमझिम बारिश, ठीक है, में भींगने और बारिश के पानी में हम लोग क्या करते हैं, जब फुहारों वाली जो हल्की हल्की जो बारिश होती है उसमें हम लोग भींगते हैं, उससे हमारा मन और तन बहुत ही क्या होता है, प्रफुल्लित हो जाता है, बहुत हम खुश होते हैं। फुहारों वाली बारिश, हल्की बारिश, जो रिमझिम बारिश होती है। ठीक है, अब इसमें हम लोग पढ़ते हैं जैसे जाने किधर से। ठीक है, देखिए ये कविता है जाने किधर से चुपचाप आकर हाथी सामने लेट गए हैं। ठीक है, अब देखिए इस कविता में फुहार वाली बारिश का जाने किधर से चुपचाप आकर हाथी सामने लेट गए हैं। इस कविता के कवि का नाम है रामधारी सिंह जी दिनकर। ये कहते हैं, जैसे मान लीजिए कई बार आपने देखा होगा कि जब घुमड़ घुमड़ कर बादल आते हैं तो उनमें कई आकृतियां बन जाती हैं, छोटे बड़े, है ना, इस तरह की आकृतियां बन जाती है। ठीक है, अच्छा, जो हमेशा मन मोह लेती है। ठीक है, इस कविता में इसी का सुंदर चित्रण किया गया है, वर्णन किया गया है, इसी को हम समझाते हैं आपको कवि के द्वारा। ठीक है, जो कवि रामधारी सिंह जी दिनकर जी हैं, वे इस कविता के माध्यम से बादलों के बारे में कहते हैं, जाने किधर से चुपचाप आकर हाथी सामने लेट गए हैं। ठीक है, कवि कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो बादलों की तुलना किससे की गई है, हाथी से की गई है। यहाँ पर अभी जैसे कभी कहते हैं कि भाई वर्षा के समय में आकाश में क्या होते, बादल रहते हैं, तो कभी कहते हैं कि जाने किधर से चुपचाप आकर हाथी सामने लेट गए हैं। कभी देखते हैं आकाश में कि पता नहीं ये बादल, जो हाथी के समान जो बादल है, वो कहाँ से आकर आकाश में विचरण कर रहे हैं, यानी घूम रहे हैं, है ना, मैंने घुमड़ते हैं। ठीक है, विचरण कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से ये बादल के बारे में कह रहे हैं। देखिए, बादल आसमान की खूबसूरती का चार चांद लगा देता है। जो बादल है आसमान के खूबसूरती को क्या करता है, चार चांद लगा देता है। ठीक है, चार चांद लगा देता है। ठीक है, अब देखिए, जाने किधर से, तो समझ के हाथी किधर से बैठ गए हैं। अब देखिए, जाने किधर से चुपचाप आकर हाथी सामने, इसका जगह मुझे जाएगा दूसरा पैराग्राफ है इसका, बैठ गए हैं। ठीक है, अब कभी कहते हैं कि देखो हाथी जो आकाश में, ये जो बादल रूपी जो हाथी है, क्या है, कहाँ से आकर ये बैठ गए हैं बादल में। ठीक है, इसी तरह से कभी इस बादल का वर्णन कर रहे, किसे कर रहे, हाथी से, क्योंकि हाथी जिस तरह से काला होता है, मतलब उसी तरह से बादल भी क्या होता है, उसी के समान होता है, जिस तरह हाथी मतवाले होकर घूमते हैं उसी तरह से बादल भी क्या होते हैं, आकाश में विचरण करते हैं।